पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में शिक्षकों की विदाई समारोह के दौरान अनोखी तस्वीर देखने को मिली। शिक्षकों की विदाई के दौरान छात्राएं भावुक हो गई और शिक्षिका के गले लगकर रोने लगी। देखिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। नम पड़ी है। कहते भी हैं कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो अनमोल होता है, यानी गुरु जो होते हैं धूप में छांव की तरह होते हैं, समंदर में नाव की तरह होते हैं और अंधकार में प्रकाश की तरह होते हैं। वास्तव में यही तस्वीर राजधानी पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में देखने को मिल रही है, जहां पर एक साथ दो शिक्षकों की विदाई हो रही है, यानी रिटायर करने के बाद उनकी विदाई हो रही है। और इस बीच आम से लेकर खास तक इस विदाई समारोह में शामिल हुए हैं, जिसमें सांसद विवेक ठाकुर भी हैं, शिक्षक संघ के कई नेता भी मौजूद हैं। और सबसे अनोखी जो तस्वीर है, जो स्कूल की छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उनकी आंखें नम हो गई है। देख सकते हैं ये सभी बच्चियां जो हैं केक लेकर किस तरह से यहां पर विदाई समारोह को सेलिब्रेट कर रही है। साथ ही जो शिक्षक वर्षों तक यहां पर पढ़ा रहे थे उनकी कमी अभी से ही इनको खलने लगी है, क्योंकि यहां से उनकी विदाई हो रही है। तो हम जरा बच्चियों से ही बात करते हैं, उनकी आंखों से टपक रहे आंसुओं के सैलाब को जरा देखिए गौर से आप, कि छोटी छोटी बच्ची है और जो टीचर वर्षों से यहां पढ़ा रहे थे आज इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पलकें भींग गए हैं। जरा बात करते हैं, क्या नाम है बाबू आपका? ज्योति। रो क्यों रही है? मैम जा रही है। मैम जा रही है। कैसे पढ़ाई करवाती थी मैम? बहुत अच्छी करवाती थी। अच्छी तरह पढ़ाई करवाती थी। अच्छा, और बाकी टीचर तो हैं, तो फिर रोना क्यों? अच्छी पढ़ाती। अच्छा पढ़ाती। क्या चाहते हैं आप लोग? वो रहे यहाँ। मैम नहीं जाए, इतना अच्छा पढ़ाना, कभी दूर हम नहीं जाने देगा मैम को, पर आज वो जा रही है, हम जाते के बाद भी नहीं जाए। और सर भी जा रहे हैं? हाँ सर से भी कर मत जाइए सर। जो अच्छाई होती है उसे वर्षों तक यूं ही याद किया जाता है। वास्तव में कुछ ना कुछ विशेषता और अच्छाई तो जरूर होगी इन दोनों शिक्षकों में, वरना हर आंखें आज नम नहीं हुई होती। इनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैडम काफी दुख की घड़ी है, एक तरह से वर्षों तक जहां आप सेवा दी हैं, आज बच्चियां आपको रोक रही हैं। शिक्षा से इतनी जुड़ी हुई हूं कि बच्चे मुझे बिल्कुल ऐसे जुड़ गए थे कि अपने बच्चे की तरह, जो कि अपने पुत्र पुत्री होती है उस भांति। क्या लगा ये अद्भुत क्षण? बहुत ही अद्भुत क्षण था। मैं प्रिंसिपल महोदय को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोगों का जब ये समाप्त हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं। इनमें एक जो अध्यापक है उनकी विदाई अप्रैल में ही होनी थी, उसको इन्होंने यहाँ तक लाया, कार्यक्रम को अब दोनों की किया। बाकी जो साथी शिक्षक हैं वो भी इस समारोह में फिलहाल मौजूद हैं, और निश्चित रूप से जो शिक्षक अभी विदा हो रहे हैं उनकी कमी वर्षों तक खलेगी, ये तस्वीरें बयां कर रही है। और खासकर उन स्टूडेंट्स से भी अपील करना चाहते हैं कि जो अच्छे शिक्षकों ने संस्कार दिया है उस संस्कार को आप यूं ही आप निभाएं और निश्चित रूप से आत्मसात करें कि जो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वास्तव में अनमोल ही होता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18।